नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रायल बैलेंस को पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और उसके डेबिट में और क्रेडिट में क्या लगते हैं और ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, यह हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। लेकिन आपने पिछले वीडियो देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस में जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। जब ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, जब ओपनिंग स्टॉक हमको दिया रहता है और परचेज भी दिया रहता है, जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों चीज हमको क्वेश्चन में दी हुई है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। या आपने पिछले वीडियो में देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक हमने कहीं भी नहीं लिखा है ट्रायल बैलेंस में। तो जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज होने पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, फिर उस समय ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आता है, क्यों आता है और कब नहीं आता है, ये पूरा डिटेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो। जब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो किया जाता है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दिया हो क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत, तो ऐसे कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्कंद ट्रायल बैलेंस को दिखाएंगे। लेकिन अब इस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। तो आज इस पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आया तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज क्यों नहीं आए, और जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं तब क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है। तो इसी को आज आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते, लेकिन क्यों नहीं दिखाते। तो इसका डिटेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग और परचेज की अमाउंट हो तब क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता। ट्रायल बैलेंस, इसका पूरा डिटेल हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम होता है, ये लेजर फोलियो, इधर डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। तो इसका और पूरा डिटेल के लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेज को पहले हम दिखाते हैं तब क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा वो भी आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹10,000, 10,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हमने ये लिख दिया स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट में, परचेज अकाउंट भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये परचेज अकाउंट का आपको अमाउंट दिया हुआ है मान लीजिए 50,000, 50,000 रुपए। अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका आप टेक्निक, इसका रीजन देखिए कि मेरे पास 10,000 का गुड्स था शुरू में, मेरे पास बिजनेस में 10,000 रुपए का गुड्स था ओपनिंग, ये ओपनिंग गुड्स 10,000 का, फिर 50,000 का गुड्स मैंने और खरीदा परचेज, 50,000 का गुड्स हमने साल भर में पूरे होल ईयर में परचेज किया तो टोटल परचेज हमारा 50,000।
अब टोटल गुड्स हमारे पास कितना हो गया, 60,000, 60,000 रुपए का टोटल गुड्स हो गया हमारे पास। अब इस 60,000 में से मान लीजिए आपने 45,000 का गुड्स साल भर में बेच दिया, यानी कि आपने जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट, आपने 45,000 रुपए की कॉस्ट का गुड्स बेच दिया। अब हमारे पास कितना गुड्स बच गया, 50,000, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास टोटल गुड्स ओपनिंग और परचेज मिला के 60,000, 45,000 का गुड्स हमने, 45,000 रुपए का गुड्स हमने बेच डाला और हमारे पास अब गुड्स बच गया है 15,000 का। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा, तो ये देखिए कि ये जो हमारा स्टॉक है, ये जो 15,000 का जो हमारा स्टॉक है, ये हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक और परचेज था उसी का ही तो बचा हुआ हिस्सा है। हमारे पास टोटल गुड्स था 60,000, 45,000 का गुड्स बेच दिया, 15,000 यानी 15,000 का गुड्स बचा हुआ है। तो ये जो गुड्स बचा है वो कहां से आया, ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया हमारे पास, तो ये हमारे पास जो ओपनिंग और परचेज की जो टोटल गुड्स थी उसी में से तो ये बचा हुआ गुड्स है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज द पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जो टोटल अमाउंट है 60,000 उसी का तो बचा हुआ पार्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसी का ही बचा हुआ पार्ट है। तो ये तो ऑलरेडी 60,000 आप दिखा चुके हो, उसी 60,000 में से 50,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, तो वो तो ऑलरेडी इसी का ही हिस्सा है, इसी का ही पार्ट है, तो उसको तो मैं अलग से यहां और नहीं दिखा सकता, यहां अलग से दिखा देंगे तो 75,000 का गुड्स हो जाएगा, 60 और आपका 10,000, 50,000 और 15, जबकि गुड्स तो टोटली 60,000 है, उसी में से हमारा ये 15,000 50,000 का स्टॉक बच गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्यों नहीं दिखा रहे हम, जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो इन दोनों का ही बचा हुआ पार्ट है, उन दोनों का ही बचा हुआ हिस्सा है। ये क्लोजिंग स्टॉक कोई अलग से क्रिएट नहीं हुआ है, कहीं अलग से हमारे पास नहीं आया बिजनेस में, वो इसी में से ही बचा हुआ गुड्स है। इसलिए जब ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस में हम दिखाते हैं तब क्लोजिंग स्टॉक कभी भी यहां पर नहीं आएगा। अब आपको कोई पूछ ले कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्यों नहीं आता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज हमने यहां दिखा दिए तो उसी में का तो बचा हुआ हिस्सा है, उसी का ही बचा हुआ गुड्स है, तो इसको यहां पर और दिखाएंगे तो डबल डबल हो जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से इसमें जुड़ा हुआ है, उसी का ही हिस्सा है। तो ये आपका एक चीज क्लियर हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, कब, जब ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज दिया हो तब, और क्यों नहीं आता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आता है, तो ये आपका जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचे गए माल की लागत दी हो तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। और क्यों आता है उसका भी रीजन देखिए कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, जब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा, जब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो ऐसे कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां पर दिखाएंगे। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज नहीं आएंगे, यह भी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों एक साथ कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। अब यहां क्लोजिंग स्टॉक आ गया है तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आएगा वो भी हम आपको बता देंगे अभी। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
इसका फॉर्मूला, इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड होती है। तो ओपनिंग स्टॉक, कि हमारे पास बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेज की अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट एंड परचेज की अमाउंट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं, लेजर जब क्लोज करते हैं उसके रूल के साथ। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स के परचेज या गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। बिजनेस को चलाने में जो डेली हमको खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स के परचेज से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस होगा, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमने जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट। तो जितना हमारे पास ओपनिंग प्लस परचेज, प्लस परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेज, कैरेज, इनवर्ड, ये सब चीजें, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो माइनस हो गया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहां पर अलग से दिखाया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए उसको अलग से दिखाया हमने। लेकिन जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर आ गया तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज यहां पर अब क्यों नहीं दिखा रहे हम। तो यहां पर देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां से आया, ये हमारे पास कहां से आया, हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया। तो ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को जोड़ के हमने कैलकुलेट किया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक भी इसमें इंक्लूड है, परचेज भी इसमें इंक्लूड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं है, वो हमने माइनस कर दिया था इसलिए उसको हमने अलग से शो किया। तो ये तीनों चीजें, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए ये तीनों चीजें अब आपकी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा तब यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, आपका परचेज भी नहीं आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। और क्लोजिंग स्टॉक देखिए इसको कैलकुलेट करने में हमने माइनस किया था, क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं है इसलिए वो हमने अलग से शो किया है। तो अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब ट्रायल बैलेंस में आता है तभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा, और ऐसे कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको इसमें नहीं दिखाना है। यदि कोई बोल दे कि क्यों नहीं दिखाना है, तो इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट पूरा बीकॉम एमकॉम पास कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब यहां दिखाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों नहीं दिखाते और क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दिखाए क्योंकि वो यहां माइनस हो गया, वो इसका पार्ट नहीं है, वो यहां माइनस होके ये कैलकुलेट हुआ है इसलिए उसको अलग से दिखाया हमने। और ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, ट्रायल बैलेंस में आते हैं, तब क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और परचेज का ही एक पार्ट होता है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको दो दो चीज बता दिए लेकिन आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। और इसको हमेशा आप अकाउंट कभी भी पढ़ेंगे तो ये सब चीजें हमेशा बहुत यूज होती है, खासकर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
तो ये सब चीजें आपकी बहुत यूजफुल होती है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक का कैसे क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं आज एक्सपेक्ट करता हूं कि ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक भी आगे भेजते रहिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।